दोस्तों जिन लोगों ने इस बार यूपीएससी की तैयारी के लिए मन बनाया है और आगे आने वाली यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दरअसल जो लोग 2025 या 26 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न इस वक्त उठ रहे होंगे। उनमें से एक प्रश्न जो कई एस्पिरेंट्स ने इस बार पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे और कहां से करें। कई लोगों का सवाल है कि क्या आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने घर रहकर यूपीएससी की तैयारी की और अच्छा रैंक भी हासिल किया। वहीं कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो दिल्ली आकर यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक भी करते हैं। यहाँ हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट कहीं भी रहकर तैयारी कर सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने घर से तैयारी करते हैं तो क्या फ़ायदा और नुकसान होते हैं, वहीं अगर आप दिल्ली जाकर कोचिंग लेकर तैयारी करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको होंगे। दोस्तों कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इसके लिए कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी, तभी परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे और इसके लिए आपको दिल्ली जाकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि यह केवल एक मिथ है, क्योंकि जिस व्यक्ति का फोकस अपने लक्ष्य पर होता है वे तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है जो कि एक एस्पिरेंट की तैयारी को इफेक्ट करती है और वह है एनवायरनमेंट। जी हाँ, कई बार एस्पिरेंट्स के आसपास का माहौल भी उनकी तैयारी में बाधा उत्पन्न कर देता है। अब यह माहौल आपके घर का भी हो सकता है या फिर दिल्ली आकर आपके रेंट रूम या फिर पीजी या फिर कोचिंग का भी हो सकता है। अब यह आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप घर रहकर तैयारी कर रहे हैं और आपका घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब है, यानी जैसे ही आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं और आपको कोई भी बीच में ही काम बता दिया जाता है, वहीं साथ ही आपका पढ़ाई में फ्लो बन रहा होता है और आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, अब चूंकि आप घर के एक सदस्य हैं तो आपको उसमें अपना योगदान भी देना है और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं डेली बेसिस पर तैयारी से भटक सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत होती है और उसे पूरे अनुशासन के साथ फॉलो भी करना होता है। घर के डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप कोई नज़दीकी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर घर में ही कोई एक कमरा अपने लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कोचिंग लेने दिल्ली नहीं जा सकते वे घर पर ऑनलाइन माध्यमों से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहीं जिन एस्पिरेंट्स के घर वाले उनका पूरा सहयोग करते हैं तो वे बेशक घर पर ही रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं तो वहां आपके सामने कई सारी परेशानियां आएंगी, साथ ही दिल्ली में रहकर पढ़ने के कुछ फायदे भी हैं। अब बात करें यदि परेशानियों की, तो आपको बता दें कि दिल्ली चूँकि बहुत भीड़ वाला इलाका है तो सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद आपकी शांति में कमी आ सकती है। दूसरा, जब आप मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर अपना रहने का प्रबंधन करते हैं तो यहाँ आपके सामने उसमें भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ आने वाली हैं। यहाँ का महंगा किराया, अच्छे खान पान की असुविधा, तंग गलियाँ और आसपास की भीड़ आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है। वहीं जब आप घर पर रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए टॉप कोचिंग्स यहाँ आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी के लिए मटीरियल आसानी से उपलब्ध है, जो कि छोटे शहरों में कई बार नहीं मिल पाता। साथ ही यहाँ आपको यूपीएससी से जुड़े बहुत से एस्पिरेंट्स और टीचर्स का साथ भी मिल जाता है। अगर आप इस परीक्षा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी है आपको तय करना है कि आप तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।